2000 के नोट के वापस लेने की क्या है असली वजह? क्या केवल भ्रष्टाचार ही है वजह, या कहानी कुछ और है? आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने का फैसला लिया है। हालांकि इस बार नोटबंदी जैसा फैसला नहीं लिया गया है। 2000 के नोट बदलने के लिए लोगों को 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया गया है। हालांकि 2000 के नोट के वापस लेने की वजह भ्रष्टाचार बताया जा रहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसकी वजह केवल भ्रष्टाचार ही नहीं है, इसके वापस लेने के पीछे वजह कुछ और भी है। भ्रष्टाचार वाले मुद्दे पर फिलहाल बात न कर मीडिया रिपोर्ट्स में जो इसकी एक और वजह बताई गई है उसके बारे में जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 के नोट वापस लेने के फैसले के पीछे की एक और वजह है इसकी छपाई का कॉस्ट। बताया जा रहा है कि 2000 के नोट की छपाई महंगी पड़ रही है, इसलिए इसे वापस लेने का फैसला लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 के नोट की छपाई महंगी है। 2018 की बात करें तो इसे छापने की लागत 4 रुपये 18 पैसे प्रति नोट थी। वहीं 2019 में 2000 के एक नोट को छापने में इसकी छपाई की लागत कुछ कम तो हुई। 2019 में ये लागत 3 रुपये 53 पैसे पड़ती थी, जो कि उसी साल बढ़ी और इसकी छपाई 4 रुपये तक पहुँच गई। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। 2019 के बाद से 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। वहीं जहां तक दूसरे नोटों की बात है, उनकी लागत कम आती है। 10 रुपये के एक नोट को छापने की लागत 96 पैसे बताई गई है। वहीं 100 रुपये के जब 1000 नोट छापे जाते हैं तो उसकी लागत 1770 रुपये आती है। वहीं 200 रुपये के 1000 नोटों की छपाई की लागत 2370 रुपये आते हैं। जहां तक 500 रुपये के 1000 नोटों की छपाई की लागत की बात है, 2290 रुपये आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 से 2000 के नोटों की छपाई जो बंद हुई है, उसकी असली वजह इसकी छपाई की लागत ही बताई जा रही है। इसके बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी 2021 में लोकसभा में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि पिछले 2 सालों से 2000 के एक भी नोट की छपाई नहीं हुई है। हालांकि हमने और आपने भी ये जरूर महसूस किया है कि 2000 के नोटों का बाजार में आना काफ़ी समय पहले से कम हो गया था। इस अनुभव के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि आरबीआई ने 2000 के नोट का फैसला आनंद फानंद में नहीं लिया है। भले ही इसको बंद किए जाने की वजह भ्रष्टाचार भी बताया जा रहा हो, फिर भी इस नोट को वापस लेने की तैयारी पहले से की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स को अगर सही मान लिया जाए तो आरबीआई ने पहले नोटों को छापना बंद किया, फिर बाजार में उसके चलन की स्पीड को कम किया और अब इसे पूरी तरह से वापस लेने का ऐलान किया है। यहाँ भी आरबीआई ने राहत दी है, क्योंकि इसकी वापसी के लिए कुछ महीने का वक्त भी लोगों को दिया गया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।